पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर ग्वालियर गौरव दिवस कार्यक्रम पर सियासत शुरू हो गई है। कार्यक्रम में कांग्रेस के किसी भी विधायक, नेता और महापौर के नहीं शामिल होने पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कांग्रेस को छोटे मन का बताया था, जिसके बाद कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार का पलटवार सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो कह रहा है वह छोटी मानसिकता का व्यक्ति है। कांग्रेस के विधायक, महापौर और पदाधिकारियों ने पहले ही अटल जी के निवास स्थान पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे, लेकिन अटल जी के जन्मदिवस पर किए गए ग्वालियर गौरव दिवस कार्यक्रम को बीजेपी ने हाईजैक किया और कांग्रेस के किसी भी विधायक, महापौर या पदाधिकारी को कार्यक्रम का पत्र नहीं दिया। जो कह रहा है वो बहुत छोटी मानसिकता का व्यक्ति है, क्योंकि कांग्रेस सबसे पहले अटल जी के निवास पर जाकर कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष, महापौर, विधायक, सभी कार्यकर्ता, पार्षद सब पहुंचे थे। वहां अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अटल जी पार्टी से हटकर हैं, लेकिन उन्होंने जो कार्यक्रम किया उसको हाईजैक किया, पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुलाया, कांग्रेस के न जिलाध्यक्ष को बुलाया, न कांग्रेस के किसी विधायकों को बुलाया, न उनको पत्र दिया, पूरा कांग्रेस कार्यक्रम का भाजपाईकरण किया गया। अटल जी को बहुत छोटा करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने ये अपराध किया है। अब अटल जी सबके थे, पूरे ग्वालियरवासियों के थे, पूरे ग्वालियरवासियों के क्या पूरे देशवासियों भी उनको प्यार करते हैं, अटल जी को लगाव रखते हैं, अटल जी को सभी पार्टी से बढ़कर उनको लोग आदर श्रद्धा के साथ देखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का कृत्य किया है, अटल जी को छोटा करने का काम किया है, पहले तो ये कार्यक्रम ही कैंसिल कर दिया। इनकी खींचतान का इसे आप लगाया रख सकता अंदाजा, पहले तो अटल जी के नाम पर ग्वालियर का गौरव दिवस मने, इसकी भी तमाम भ्रांतियाँ हुई, उसमें कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए, फिर पवैया जी का ट्वीट आया, पवैया जी के ट्वीट से उठक पटक हुई और अटल जी का फिर सुशासन दिवस, फिर अपना गौरव दिवस मनाया गया और जल्दबाजी मनाया गया, इसमें कांग्रेस के जिलाध्यक्ष से लेके कांग्रेस के विधायकों को किसी को पूछा नहीं गया और खुद ही अपना कार्यक्रम किया है, पूरा कार्यक्रम हाईजैक किया है, सरकारी कार्यक्रम ना होकर वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बनाने का प्रयास किया, इसकी मैं निंदा करता हूँ। अटल जी सबके हैं, अटल जी का आदर सम्मान सब लोग करते हैं।